सलाम एवरीवन मेरा नाम सिद्धा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है और ये वीडियो मैं डेडिकेट करती हूँ अपने हस्बैंड को एंड आई विश दैट ही टेक्स आउट लिटल टाइम टू सी दिस वीडियो फ्रॉम हिज प्रेशियस लाइफ जिसमें कि ऑब्वियसली वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनको कि पेंडिंग किया जा सकता है और ये छोटा सा एक वीडियो देखा जा सकता है मैं बहुत छोटी थी जब से मुझे अपने बारे में ये चीज़ सुनने में मिलती थी कि ये बहुत बात करती है आई वॉज वेरी टॉकेटिव एंड आई यूज़ टू टॉक टू द पीपल टू ऑब्जर्व दम और मुझे ऐसा लगता है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं पर भी स्टैंड करता है वो अच्छा परसीवर भी होता है अच्छा बहुत चाइल्डहुड से शुरू करूंगी कि मैं देखती थी मेरी अम्मी मेरे अब्बू का वेट करती हैं मेरा दिल चाहता था इतना रिश्ता नहीं था कि बात कर सके बच्चा लेकिन अम्मी से थोड़ा बहुत था अम्मी को ना मैं बहुत दफ़ा पूछती थी कि आप क्यों वेट करती हैं उनका मुझे बहुत हैरत थी बिकॉज ही वॉज़ अ बोरिंग पर्सन ही डिडन्ट यूज़ टू टॉक टू अस एंड अपने कमरे में बैठे रहना और एक अब आ गए ये था उनका एक जो डेजिग्नेशन था रफ़्त रफ्तार समझ में आने लगी जिंदगी ऐसा समझ में आया कि पता नहीं क्या लेकिन बहरहाल ये समझ में आया कि ये ऐसे ही होता है और जो हर जो हर बड़ा है या जो इस तरह की पोस्ट पे है बंदा वो एक डिस्टेंस क्रिएट एक सेल्फ मेड डिस्टेंस है एक सेल्फ मेड रोब है एक दबदबा है आई ट्राइड टू ब्रेक इट अप एंड आई ब्रोक इट आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई फादर आई स्टार्ट मीटिंग हिम आई स्टार्ट गोइंग टू हिज रूम और मेरी लाइफ में ऐसा वक्त भी आया जबकि जब मैं उनके कमरे में नहीं जाती थी तो वो रेस्टलेस होकर उठते ही मेरे कमरे में आते थे सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू डू विद माई हस्बेंटेड दिस वीडियो टू माई हस्बैंड अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी आपके घरों में भी शायद ऐसा होता होगा आई विश की वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें प्लीज ट्राई टू स्प्रेड दिस वीडियो एक ड्रामा लगा हुआ है उसमें आप एक ऐसा बंदा देखते हैं जो ऐसे बैठा हुआ है हर वक्त उसका ये मुंह है जिधर से उसने गुजरना है उधर लोग छुप रहे हैं उससे जो नहीं भी छुप रहे वो इज्जत कर रहे हैं उसकी बहुत इज्जत है उसकी पता नहीं कौन सी इज्जत है लेकिन बहर इज्जत है और वो किसी से बात नहीं करेगा कभी पूछेगा भी तो वो सवाल के अंदर ये उसका जो एक वॉल्यूम है वही एक खौफनाक वॉल्यूम होगा ये सब कुछ मैंने बड़े करीब से देख रखा है अच्छा वो ड्रामा देखने वाला जो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन वो हर दो सेकंड के बाद कमेंट पास करेगा मतलब ही डजेंट लाइक हिम या हर जो भी एक ऐसा कैरेक्टर है कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर जो हम टीवी में देख रहे हैं वो कैरेक्टर अगर साथ बैठे हुए बंदे में भी हो तो फिर जो वो देख रहा है उसको तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको खुद पर अप्लाई मैंने खुद लाइफ में बड़ी बड़ी औरतों को बैठकर दूसरों की बेटियों पर डिस्कस करते हुए देखा है जबकि उनके अपने घरों में भी बेटियां मौजूद हैं ये क्या हो रहा है वाई डोंट वी परसीव अ थिंक एक्यूरेटली हमें क्यों नजर नहीं आता एक चीज बिल्कुल क्लियरली क्यों नजर नहीं आती अगर दूसरे शख्स के नाक पर बात हो रही है तो मेरा भी तो नाक है अगर मैं किसी की आंख पर बात कर रही हूं तो मेरी भी तो आंख है मैं उस चीज पर बात कैसे कर सकती हूं जो कि क्रिएटर ने सबकी एक जैसी क्रिएट की है फिर जो कुछ मैं माशरे में देख रही हूं आई डोंट आई टेक इट फर्स्ट ऑन माई सेल्फ सबसे पहले वो बुराई क्या मुझ में है अगर है शर्मिंदगी की कोई बात नहीं उसे क्लियर करेंगे साफ करेंगे ये कौन सा एटीट्यूड है कि उसको भी बैठकर क्रिटिसाइज कर दिया लपेट के उठ गए अपना आप भी और अपने अंदर भी वही कुछ है थेरेटिक बात है हम लोग किसी से बात करना शुरू करते हैं ना तो हम बात करें तो अगला बंदा हमारी बात के बीच में कोई ऐसी बात करेगा जो रेलिवेंट नहीं है दिस इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन लैक ऑफ इंटरेस्ट मटीरियलिस्टिक अप्रोच डिस्पर्स्ट थिंकिंग ये सारी चीज़ें थियोरेटिक हैं किताबों में पढ़ी हैं लेकिन क्या हमने ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया किताबों में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी लेकिन प्रैक्टिकल ज़िंदगी में वही किताब जिसको एक बंदा पढ़ रहा है मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी खवतें देखी हैं जो खुतन से रिलेटेड ऐसे पैम्फलेट्स पढ़ेंगी या जो बहुत कुछ ऐसा जो मैंने फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द मूवीज़ एंड टी वी लेकिन खुद जो वो करेक्टर तैयार हुई हैं वो एक अनिग्मा है वो एक एम्बिगुटी है वो एक अनरीचेबल पर्सनैलिटी है दे आर नॉट प्रैक्टिकल वाई दे आर नॉट प्रैक्टिकल एक बंदा जो अपने घर के अंदर बैठ कर साल साल बुक्स पढ़ रहा है कि बेटी क्या होती है बेटियाँ 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 तो जब वो अपनी बेटी से बिहेव करे तो वो दूर दूर तक माँ या बाप नजर न आए क्या सीखा फिर उसने उन किताबों से उन टी वी ड्रामा से एक बंदा सोशली बहुत एक्टिव है बहुत अच्छा है उसका एक रेफरेंस है घर के अंदर अपने बच्चों से बात भी नहीं करता क्या है वो बंदा कहाँ है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स चार लोगों को बिठा के बड़ा इंप्रेस करता है ये कामयाबी नहीं है उन टूटे हुए इंसानों के बारे में ये इतनी दुखती रग है हमारे बच्चों की मेरे स्टूडेंट्स इतने मरने वाले हो जाते थे ये बातें मुझसे करते दे यूज टू वीप अलॉट वाइल टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स दैट दे हैव मेड अ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स क्यों एक बच्चा अपने बाप से मजाक नहीं कर सकता क्यों एक बच्चा अपने बाप से दिल की हर बात नहीं कर सकता क्या होता है घर से बाहर दोस्त ढूंढने लगते हैं घर से बाहर चीप लोगों के साथ एक्वेंटेंसेस बनाते हैं थिंक अबाउट इट वी शुड थिंक अबाउट इट ये हमसे मुतालिक है ये किसी किताब में शायद हमें नहीं मिलेगा लेकिन ये सब कुछ हमसे रिलेटेड है उन किताबों को पढ़ने का मेरी नजर में कोई फायदा नहीं है उन ड्रामाज और मूवीज को देखने का कोई फायदा नहीं है जिनके अंदर से हमने कुछ लिया नहीं और टर्न ऑफ करके उठ गए अब तो बात यहां तक आ गई है कि डॉक्टर्स मशवरा देने लग गए कि गो टू द ओल्ड फ्रेंड्स ट्राई टू मेक अ गुड कम्युनिकेशन विद योर होम फेलोज चैरिटी बिगिंस एट होम घर से शुरू करें घर वालों से आप बात नहीं करते और बाहर जो लोग आपको नहीं जानते जो लोग आपके वॉशरूम की स्मेल को नहीं जानते जो लोग आपके कपड़ों से आने वाली स्मेल को नहीं जानते जो लोग आपके फिल्थ के बारे में आपके शाउटिंग लेवल्स को नहीं जानते उन लोगों के साथ आप इतने अच्छे हैं इट्स एन अलार्मिंग थिंग ये बीमारी हमें अंदर ही अंदर खाती जा रही है मुझे नहीं पता कौन सी पर्सनैलिटी है मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है मेरे बच्चों के सामने दे कैन हैव एनी टाइप ऑफ फन विद मी दे कैन कॉमेंट एनी टाइप ऑफ थिंग टू मी देर इज नो रिजर्वेशन बिटवीन मी एंड माई किड्स एंड टू सम एक्सटेंड आई वॉज वेरी फ्रेंडली विद माई स्टूडेंट्स मुझे याद है जब फ्री पीरियड होता था उन लोगों का और वो लोग यूं करके झांके देखते थे स्टाफ रूम में मैं बैठी हुई हूं वो जैसे ही मुझे फाइंड आउट करते थे विदाउट एनी हेजिटेशन यहां से भी पकड़ा हुआ और यहां से भी पकड़ा हुआ एक क्लास यहां कहच रही है एक क्लास यहां कहेंच रही है मैम हमारी क्लास में है मैम हमारी क्लास में एंड दैट वॉज जस्ट अ फन टाइम वन आई यूज टू हैव सिर्फ जाते ही मैं क्लास में मुझे याद है मैं रिक्वेस्ट करती थी जस्ट गिव मी फाइव मिनट्स टू टीच यू उसके बाद मजा करते हैं ये जिंदगी नहीं है क्या या इससे मेरी ग्रोथ ताल्लुक नहीं रखती है मुझे अक्सर बच्चे मुझे अक्सर जो यंगस्टर्स हैं वो आइडलाइज सिर्फ इस एक बात की वजह से करते हैं दे दे स्पेंड अ गुड टाइम विद मी क्या ये सब कुछ मैंने करके कुछ खोया है या पाया है मैंने तो बहुत पाया है मुझे बहुत अच्छा लगता है हंसना खेलना एंजॉय करना फन करना एक और पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था आई वॉज केयर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई आई अपियर्ड ऑन यूट्यूब आई फेल्ट माई सेल्फ डाइंग अगर ये कहूँ लेकिन एक सेकेंड लगा था मुझे जैसे ही कैमरा ऑन हुआ है आई जस्ट थॉट अबाउट इट कि ये काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ करने से पहले डाइंग और करने के बाद फ्लाइंग क्या ये सब कुछ हम अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते अगर मैंने वहाँ से स्टेप ना शुरू किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती तब के कॉन्फिडेंस में और अब के कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का फर्क है जब मैं कम्युनिकेट नहीं करती थी आई यूज टू रिमेन डिप्रेस्ड वन आई नॉट वेन आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब मैंने वो किया जो मैं चाहती हूँ दिस इज वॉट आई वॉन्ट आप वो कीजिए जो आप चाहते हैं बात कीजिए तोड़े इन शक्ल्स को तोड़ दे इन शल्स को जो आपके ऊपर मुसलत किए जाते हैं चंद बोरिंग लोग अगर आपको बोर कर रहे हैं ट्राई टू मेक फ्रेंड्स आउट ऑफ द बॉक्स आपसे बात करने के लिए भी कोई ना कोई इंसान आपके जैसा शायद तड़प रहा होगा शायद आपको अपना मैच वहां नहीं मिल रहा जो घर है जो आपकी दुनिया है तो कोई बात नहीं ट्राई टू ओपन योर सेल्फ बट ट्राई टू कम्युनिकेट और जो लोग आपके साथ रहते हैं उन पर भी मेहनत करें उनको भी कम्युनिकेट वो बेचारे हैं वो तर्स के काबिल लोग हैं उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिपेट किया हुआ है वो हंसते नहीं हैं उन पर तर्स खाइए और उनको गाइड कीजिए कि हंस के भी जिंदगी गुजर सकती है बात करके भी गुजर सकती है सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली पहला स्टेप है खुश रहना जो खुश रहेगा वो दूसरों को भी खुश रखेगा आपके बच्चे आपके दोस्त बने ना कि घर के बाहर बेतबार लोगों में एतबार ढूंढते फिरें खुद को छानते फिरें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन एक नाइफ है जो कि नर्वसनेस को काट के रख देता है कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देता है ज़िंदगी में से कम्युनिकेशन हमें कॉन्फिडेंट बनाती है बातचीत करना हमारा हक है हम करेंगे कभी भी किसी भी ऐसे इंसान के लिए खुद को अनकॉन्फिडेंट या कंफ्यूज मत कीजिए खुद को डिफीट मत होने दीजिए खुद को पीछे ना हटाइए जो कि खुद बेचारा बहुत पीछे है ट्राई टू रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ ये किसी दूसरे ने आके आपको नहीं देनी है ये हमारे अंदर से उठनी है जिसके अंदर से उठेगी वही स्ट्रेंथ ले सकेगा आपने मेरे वीडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखा है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ ट्राई टू स्प्रेड माई वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी किया करें थैंक यू सो मच बाय